हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इक्विजन के डीवीआर को हम अनबाइंड कैसे करेंगे। तो हम हमारे इक्विजन के जो डीवीआर को ऑनलाइन करने के बाद में जो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है, सिंपली उसको कहते हैं कि हमारा डिवाइस उस अकाउंट के साथ में बाइंड हो गया है। मतलब उस अकाउंट के साथ में हमारे डिवाइस का सारा इन्फॉर्मेशन अटैच्ड हो गया है, उसको हमको अनबाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास में दो डीवीआर है। ये जो DVR है ये लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन के साथ में अपग्रेडेड मॉडल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अपग्रेडेड मॉडल का DVR है, जिसका मॉडल नंबर है IDS7108HQHI-M1/NS। ठीक है, और आपने ये वाला जो DVR देखा है ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है DS-7104HG-HI-E1। मैं ये दो DVR आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये दोनों भी DVR हमारे ही डैश कनेक्ट वाले सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको जब अगर अनबाइंड करने की बात आती है इक्विजन के DVR को, तो हो सकता है कि आपके पास में ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला, ओल्ड फ्रेमवेयर वर्जन वाला DVR अवेलेबल हो, जिसके अंदर आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इक्विजन का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का DVR है उसकी स्क्रीन से कनेक्ट करके अनबाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड मॉडल के जो DVR है इसको हम स्क्रीन से लगाकर अनबाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अनबाइंड करने के तीन तरीके हैं। पहला ये कि आप अनबाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली अगर आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला DVR है जो लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन के साथ में अवेलेबल है, तो हम उसको अनबाइंड कर सकते हैं स्क्रीन से अटैच कर भी, जिसका इंटरफेस मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा अपने मॉनिटर से कनेक्ट करके। और ये अगर आपके पास में ओल्ड फ्रेमवेयर वर्जन वाला DVR है तो इसको हमको अनबाइंड करने के लिए SADP टूल्स की ज़रूरत होती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा तीसरा जो रास्ता है इक्विजन के DVR को अनबाइंड करना, मतलब इक्विजन के DVR को अनबाइंड करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप आपके इक्विजन के DVR को आपके ही डैश कनेक्ट वाले सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है उससे आप अनबाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो नहीं करते टाइम बर्बाद, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला तरीका जिसके ज़रिए से हम हमारा जो DVR है उसको अनबाइंड कर सकते हैं, अभी ये जानने के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये आपको जो अभी दिखाई दे रहा है ये इक्विजन का DVR मैंने अपने स्क्रीन के साथ में कनेक्ट किया जो लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन का है। आपको इंटरफेस से पता चल रहा होगा कि हमारा लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन वाला DVR है। इसको अनबाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पे चार टैब दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला टैब दिखाई दे रहा होगा आपको सेटिंग में, देखिए इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिधर पर आपको नेटवर्क वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेटवर्क पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नेटवर्क पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म एक्सेस वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी प्लेटफॉर्म एक्सेस वाला जो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं इस टैब पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए बाइंड स्टेटस यहाँ पर यस दिखा रहा है, मतलब ये DVR कोई और अकाउंट में ऐड है और हमको पता ही नहीं है, हमको उसको अनबाइंड करना है। ठीक है, अभी ये बाइंड है, अगर ये बाइंड है किसी अकाउंट के साथ तो हमारे मोबाइल नंबर के साथ में वो रजिस्टर होके ये अकाउंट, मतलब ये वाला DVR जो अभी मैंने कनेक्ट किया है ये दूसरे अकाउंट के साथ में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये इक्विजन का प्राइवेसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है कि एक डिवाइस को हम एक ही अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स को हम मल्टीपल डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डिवाइस को बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अनबाइंड का अनबाइंड पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन गाइस एक बात का ख्याल रखिए कि आपका जो DVR है वो यहाँ पर ऑनलाइन दिखाना चाहिए, इसका मतलब आपका DVR जो है वो लैन से कनेक्टेड है। अगर ये ऑफलाइन स्टेटस आ रहे तभी आप अगर ट्राई करेंगे अनबाइंड करने का तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपका DVR जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये आपको अनबाइंड करने का प्रोसेस सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा कंफर्म परमिशन मांग रहा है, मतलब हमारे DVR का पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरे DVR का पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी है आपके DVR का एडमिन पासवर्ड जो होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। मैं अपने DVR का पासवर्ड यहाँ पे डाल के इसको अनबाइंड करने की ट्राई करूँगा और देखते हैं ये अनबाइंड हो पाता है। यहाँ पे मैंने करेक्ट पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरा जो डिवाइस है वो अनबाइंड हो चुका है।
मतलब इससे पहले जिस अकाउंट के साथ में जिस मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से जो अकाउंट बना हुआ था उसमें ऐड था, तो वहाँ से अनबाउंड हो चुका है। और यहाँ पे हम स्टेटस में भी देख पाएंगे बाइंड स्टेटस नो दिखा रहा है, मतलब अभी हम नया अकाउंट क्रिएट करके इस डिवाइस को नए अकाउंट के साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया है कि लेटेस्ट वाले फ्रेमवेयर वर्जन का जो DVR है उसको कैसे अनबाइंड करते हैं। तो ये इजी स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम देखेंगे कि ओल्ड वाला जो DVR होता है उसका इंटरफेस कैसे होता है और उसको अनबाइंड कैसे करेंगे। उसको अनबाइंड करने के लिए हमको स्पेशली SADP टूल की ज़रूरत होगी। अभी हम वो देखते हैं कि SADP टूल से हम हमारे डिवाइस को अनबाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। जो लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन वाला DVR है उसको यहाँ पर आपको एक बार दिखाई दे रहा था और यहाँ पे सेट में भी एक विंडो था, लेकिन इस वाले ओल्ड वर्जन वाले जो DVR है उसमें आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। इसके लिए हम इसको अनबाइंड करने के लिए इसको इसे डिपोजिट टूल से ही कनेक्ट करना होगा। अभी मैं आपको मेन्यू में जाकर बता देता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है और हम इसको क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेन्यू में चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ, जैसे हम उस वाले में चले गए थे उस वाले DVR में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अनबाइंड करने का कोई भी विंडो नज़र नहीं आ रहा है। मतलब हमको यहाँ से अनबाइंड करने का कोई चांस नहीं है। अगर हमको इसको अनबाइंड करना है तो फ्रेमवेयर वर्जन हमको इसका अपग्रेड करना होगा, वो भी अगर हमको कंपनी से अवेलेबल हो जाता है इसका अपग्रेडेड वर्जन, तो अगर नहीं सपोर्ट करता है तो हमको DVR ही चेंज करना होगा। तो उससे बेटर है कि हम इसको अनबाइंड करने के लिए दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमारा SADP टूल है। तो SADP टूल के थ्रू हम इसको कैसे अनबाइंड करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन ज़रूर आपको इस वीडियो में सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाने वाला है कि हम हमारे DVR को तीनों तरीके से कैसे अनबाइंड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि कोई भी स्टेप्स आपसे छूटे ना। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हमारा जो DVR है ये हमारे LAN के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारे इस PC के साथ में। ये PC हमारा सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे की साइड में मेरा SADP टूल मेरा डाउनलोड करके रखा हुआ है मैंने। अगर आपके पास में नहीं है तो आप हिकविजन की वेबसाइट से जाकर SADP टूल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो DVR है वो डिटेक्ट हो रहा है। ये देखिए, उसको मुझे सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनबाइंड का जो ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। मुझे बस यहाँ पे अनबाइंड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अनबाइंड पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख कनेक्ट अकाउंट अनबाइंड ही डैश कनेक्ट अकाउंट ये लिख कर आ रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ अपने डिवाइस का पासवर्ड डालना है जो मैंने अपने DVR में सेट कर रखा है, मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। आप आपके DVR का जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए, ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है वो वाला। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें फिल कर ले। देखिए, ये जो आपको बॉक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है NKGM यही आपको यहाँ पे डालना है, मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमको अनबाइंड सक्सेस्ट का एक मैसेज आ गया है, मतलब ये डिवाइस हमारा सक्सेसफुली अनबाइंड हो गया है। इस वाले डिवाइस को अभी हम फिर से हमारे नया अकाउंट क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे तीसरा वाला तरीका जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अनबाइंड करने वाला कैसा होता है। तो वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको वो भी चीज़ बता दूँ। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ दिक्कत आ रही है तो आप आपके हिकविजन के जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है हिक डैश कनेक्ट उससे भी अनबाइंड कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इस अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, आपके डिवाइस को ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। इसका लिंक मैं आपको अपने आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अभी हम जानेंगे कि हमारे हिकविजन के DVR को जो ऑलरेडी किसी और अकाउंट में एडेड है उसको वहाँ से डिलीट करके हम अपने मोबाइल में नए अकाउंट के साथ में कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप ऐड डिवाइस का एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें चले जाइए ऐड करने के लिए और स्कैन QR कोड कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए एडिशनल कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जाना है आपको मेन मेन्यू में। जैसे आप जाएंगे तो आपको आपका यूज़र नेम या फिर आपका पैटर्न लॉग से आपको आपका मेन मेन्यू में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे चले जाएंगे आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में जाते ही आपको यहाँ पे नेटवर्क दिखाई देगा, नेटवर्क पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्सेस पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे अभी एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे माइंड
स्टेटस येस दिखा रहा है, मतलब ये डिवाइस ऑलरेडी किसी और अकाउंट के साथ में एडेड है। और ये अनबाइंड का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आपको नए DVR में ही मिलेगा, पुराने DVR में नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिनारियों में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखिए मैं आपको कंफर्मेशन के लिए और एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं स्कैन कर लेता हूँ अपने डिवाइस को, कि देखिए जैसे ही मैं इसको स्कैन करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है द डिवाइस हैज़ बीन एडेड टू अकाउंट, मतलब ये किसी और अकाउंट के साथ एडेड है, इसलिए ये मेरे ये नए अकाउंट के साथ में ऐड नहीं होगा ये डिवाइस, क्योंकि एक विजन का सिक्योरिटी पॉलिसी है। इसलिए अभी यहाँ पे हमको और एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा है अनबाइंड डिवाइस का, ठीक है। ये अनबाइंड डिवाइस का जो ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमको इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन दिखाई देगा, आपको इसको एडमिन ही रखना है, क्योंकि एडमिन वाले ही अकाउंट से आप आपके DVR को अनबाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडमिन का जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल दीजिए, मतलब कि DVR का जो भी एडमिन का पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको डालना है। और वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको साइड में जो डिजिट्स या फिर अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं वो डाल दीजिए। यहाँ पे ये है B74D, ठीक है, सारा कैपिटल में है, मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे फिनिश पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द डिवाइस इज़ अनबाइंडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ऐड करके कि ये ऐड होता है कि नहीं। ये देखिए आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे बाइंड स्टेटस यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है, मतलब इससे पहले वाले अकाउंट में कोई भी अकाउंट में वो ऐड था ये डिवाइस, तो ये यहाँ वहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ से हम सक्सेसफुली इसको ऐड कर पाते कि नहीं देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्कैन कर दिया और मेरा डिवाइस यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड भी हो गया, एडिंग कम्प्लीटली यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखा भी दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।